राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद के नव नियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में गर्भवती महिलाओं को लेकर खास योजनाएं हैं, बस जरूरत है लोगों को जागरूक करने की। उन्होंने कहा कि वे अपनी इस जिम्मेदारी को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे और ताकि लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य भर में 272 गाड़ियों द्वारा 108 सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है और 108 वाहन खुशियों की सवारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के सुदूर अंतिम छोर पर और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं ये मुहैया कराई जाएं, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। उत्तराखंड के हर एक नागरिक का स्वास्थ्य उत्तम रहे, हर एक नागरिक को अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हों, ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक की जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं चल रही, उन सारी योजनाओं को और सुगमता के साथ सरलता के साथ लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसको और गति देने के लिए हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उसको और तेज़ी लाने का प्रयास करेंगे। कहीं भी अगर कोई उसमें अगर कुछ अभी कमियां हैं तो उस कमियों को दूर करके सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए प्रयास करेंगे।